आज हम आपको बताएंगे कि टैली ERP 9 में पेरोल की एंट्री कैसे करते हैं और पेरोल होता क्या है। पेरोल जो होता है वो हमारा एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी देने के लिए काम करता है। उसके लिए सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे ओल्ट के साथ F3 से। उसके बाद क्रिएट कंपनी पर आएंगे, यहाँ पे हम कंपनी बनाएंगे पेरोल एंट्री। यहाँ पे इसको इंडिया करेंगे, स्टेट करेंगे हम अपना उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे इसको एंटर मार के एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद इसको एस्केप करेंगे, F11 करेंगे, F1 करेंगे। यहाँ आने के बाद हम पेरोल को यस करेंगे और एंटर मार के एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद एस्केप करेंगे, पेरोल इन्फो में आएंगे। पेरोल इन्फो में आने के बाद यूनिट वर्क में आएंगे, क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम HR का सिंबल बनाएंगे, इसे एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद मिनट और टाइप में कंपाउंड सेलेक्ट करेंगे सिंपल को हटा के, यहाँ पे हम इसको हावर 60 मिनट करेंगे। उसको एस्केप करेंगे, उसके बाद आएगा अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में, इसमें आने के बाद क्रिएट करेंगे हम सिक लीव का लेजर, सिक लीव इसको हम डालेंगे अटेंडेंस लीव विद पे के अंडर में। उसके बाद बनाएंगे हम एब्सेंट का, इसको डालेंगे हम लीव विदाउट पे में। उसके बाद बनाएंगे हम ओवर टाइम, इसको हम डालेंगे ऑन प्रोडक्शन में, इसकी यूनिट रखेंगे हम हावर ऑफ 60 मिनट के अंदर। उसके बाद इसको बनाने के बाद एस्केप करेंगे, एस्केप करने के बाद हम आएंगे पे एड में, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे बेसिक सैलरी, जो हमारे एम्प्लॉयज़ की बेसिक सैलरी होती है, उसको लाएंगे हम एंडिंग फॉर एम्प्लॉय इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको करेंगे ओन अटेंडेंस के बेस पर, यहाँ पे हम इसको सिक लीव करेंगे, मंथ करेंगे और यूज़र डिफाइन के साथ 30 दिन कर देंगे। उसके बाद बनाएंगे हम TA ट्रैवलिंग एलोवेंस, जो हमारा एम्प्लॉयज़ का आना जाना खर्चा होता है उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे, और इसको भी करेंगे हम फ्लैट रेट के हिसाब से और डेज पे एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद आएंगे हम प्रोफेशनल टैक्स, जो हमारी कंपनी टैक्स देती है एम्प्लॉयज़ की सैलरी से काट के, इसको भी हम एम्प्लॉय स्टेशनरी डेडिकेशन करेंगे। इसको हम करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोफेशनल टैक्स को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद लेंगे हम इसको यहाँ पे मंथ, यहाँ आने के बाद लेंगे हम ओन करोंट सब टोटल, इसमें हम अपनी 10,000, जिस बार एम्प्लॉय की 10,000 सैलरी होगी उसकी 0% टैक्स कटेगा, और जिसकी उससे ज़्यादा होगी उसकी 5% टैक्स कटेगा। उसके बाद बनता है हमारा PF प्रूव्ड फंड, एक प्रकार का खत्ता होता है हमारे एम्प्लॉयज़ का, ये भी लेंगे हम डेडिकेशन फॉर एम्प्लॉयज़ के अंडर में। इसको हम लेंगे करंट लाइबिलिटीज, इसको भी एज कंप्यूटर वैल्यू, और यहाँ पे भी ओन करंट सब टोटल, इसमें जिस एम्प्लॉयज़ की सैलरी 12,000 होगी उसका 0% टैक्स कटेगा, जिसकी 12,000 से ऊपर होगी उसका 12% PF कटेगा। उसके बाद बनाएंगे हम ओवरटाइम, ओवरटाइम जो होता है हमारे एम्प्लॉयज़ ओवरटाइम करते हैं, इसको भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में लेंगे, यहाँ पे हम ओन प्रोडक्शन ओवरटाइम और एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद एस्केप करेंगे, एस्केप एम्प्लॉयज़ कैटेगरी में आएंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे एम्प्लॉयज़ का लेजर। बनाने के बाद हम बैक करेंगे एम्प्लॉयज़ ग्रुप में आएंगे, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे कैटेगरी में हम एम्प्लॉयज़ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम अकाउंट डिपार्टमेंट का लेजर बनाएंगे। बनाने के बाद एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद दूसरा बनाएंगे हम सेल्स डिपार्टमेंट। उसके बाद बनाएंगे हम परचेज डिपार्टमेंट का लेजर। बनाने के बाद हम इसको बैक करेंगे,
एस्केप से एम्प्लॉइज में आएंगे, क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम कैटेगरी में एम्प्लॉइज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम कोई भी नाम घेर देंगे, जैसे कि अंकुश घेर दिया मैंने। एक मिनट, अंकुश, इसको हम दे देंगे अकाउंट डिपार्टमेंट के अंडर में। यहाँ पे हम इस एम्प्लॉइज की जो भी डिटेल्स है, एम्प्लॉइज नंबर है, ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शन है, लोकेशन है, जो भी इसको फिल करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करा सकते हैं। एक्सेप्ट कराने के बाद दोबारा हम कैटेगरी में एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बनाएगा हम आशीष का, इसको डालेगा हम सेल्स डिपार्टमेंट के अंडर में। यहाँ पे इसमें भी इसकी सेल डिटेल्स फिल करनी हो तो कर सकते हैं। एक्सेप्ट कराएंगे, दोबारा सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉयज़ को। उसके बाद रजनीश, इसको हम डालेंगे परचेज डिपार्टमेंट के अंडर में। डालने के बाद इनको सबको एक्सेप्ट कराएंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद हम इसको बैक करेंगे। बैक करने के बाद हम आएंगे सैलरी डिटेल्स में। सैलरी डिटेल्स में हम इनको अब सैलरी डाल देंगे, इनको एम्प्लॉयज़ को, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। डिफाइन में जाएंगे, यहाँ पे हम अंकुश को सेलेक्ट कर लेते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट में। यहाँ पे हम इसकी ज्वाइनिंग डेट डालेंगे 1.4, और यहाँ पे इसकी बेसिक सैलरी डालेंगे हम 25,000 रुपये। उसके बाद इसके पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स, ओवर टाइम डालेंगे हम इसको 60 घंटे पर आवर। उसके बाद टीए 40 रुपये पर डे। उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आशीष, इसकी भी ज्वाइनिंग डेट डालेंगे हम, इसकी बेसिक सैलरी डालेंगे हम 24,000 रुपये। उसके बाद पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स, ओवरटाइम डालेंगे हम इसका 50 रुपये पर आवर। उसके बाद टीए, इसका डालेंगे हम 35 रुपये। एंड ऑफ लिस्ट, एक्सेप्ट। उसके बाद लेंगे हम रजनीश को, इसकी भी ज्वाइनिंग डेट डालेंगे, इसकी बेसिक सैलरी लेंगे हम 24,500 रुपये। उसके बाद पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स, ओवरटाइम लेंगे हम इसका 55 रुपये पर आवर। उसके बाद टीए 40 रुपये पर डे। एंड ऑफ लिस्ट, एक्सेप्ट कराएंगे। उसके बाद बैक आएंगे, बैक आने के बाद वाउचर टाइप में आएंगे, एल्टर में आएंगे, और यहाँ पे हम पेरोल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे यूज इफेक्टिव डेट फॉर वाउचर को, इनको चारों को यस करेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ क्लास में लिखेंगे स्टाफ सैलरी। लिखने के बाद एंटर मारेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे इन दोनों को। यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे सैलरी पे बैल का, सैलरी पे बैल, इसको हम डालेंगे करंट लाइबिलिटीज के अंडर में। यहाँ पे इसको बैक करने के बाद यूज ऑफ फोर पेरोल, इसको यस करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। यहाँ से भी इसको एक्सेप्ट कराएंगे। कराने के बाद इसको बैक करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। उसके बाद आएंगे हम पेरोल वाउचर में। पेरोल वाउचर में आने के बाद यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करेंगे ताकि हमारा अटेंडेंस वाउचर ओपन हो जाए। यहाँ पे हम इन सबको अटेंडेंस देंगे, एबसेंट कितने दिन रहा है। जैसे कि अंकुश है, इसकी हमने अटेंडेंस डाल ली 3 दिन, ये 3 दिन तक एबसेंट रहा। उसके बाद इसने ओवर टाइम कितना करा, इसकी ओवर टाइम डाल लेंगे, ओवर टाइम डाल लेंगे हम 30 घंटे। उसके बाद सिक लीव, बीमार कितना रहा है, ये रहा 2 दिन। उसके बाद आशीष, इसकी एबसेंट कितनी रही, 2 दिन। उसके बाद ने ओवर टाइम कितना करा, 25 घंटे। और उसके बाद इसमें सिक लीव की कितनी छुट्टी ली, 3 दिन की सिक लीव। उसके बाद आता है इसमें रजनीश, रजनीश की एब्सेंट कितने है, 3 दिन की। ओवर टाइम उसने कितना करा, 30 घंटे, 30 घंटे डाल लेंगे। उसके बाद सिक लीव रजनीश की, इसकी रही 2 दिन की। इतना कराने के बाद इसको एक्सेप्ट कराएंगे। उसके बाद कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करेंगे, इस यहाँ पे स्टाफ सैलरी सेलेक्ट करेंगे, फिर ओल्ट के साथ A दबाएंगे। यहाँ पे हम सैलरी को सिलेक्ट करेंगे,
यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ब्लैंक टू फोर एंड को इसको 1.5 डाल लेंगे। कैटेगरी में हम एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑल आइटम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयज नेम सिलेक्ट करेंगे। इतना करने के बाद ये आ गया हमारा पूरा एम्प्लॉयज का डाटा, यहाँ पे उसकी कितना पीएफ कटा, कितना टैक्स कटा, कितना टीए कटा, कितनी उसकी बेसिक सैलरी थी, वो सब आ गया। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कराएंगे। यहाँ से हम इसका अगर प्रिंट प्रीव्यू भी चेक करना है तो हम यहाँ से हम प्रिंट प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। इसको यहाँ से हम जूम करके दिखाते हैं कि रजनीश की, आशीष की और अंकुश की कितनी पीएफ कटा, कितनी बेसिक सैलरी, कितना ओवर टाइम, कितना टीए कटा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करके जाइए।